देखो बच्चों जो 55 क्वेश्चन है अपने पास वो है, टू इक्वल चार्जेज ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि टू इक्वल चार्जेज है, मैं यहां पर लिख देता हूं 2 × 10⁻⁷ कूलंब है। क्लियर है, ये दो चार्जेज हैं, दोनों सेम हैं, दोनों के बीच में दूरी कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। कितनी दूरी है सर? 20 सेंटीमीटर। ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस बिटवीन द टू चार्जेस। क्या कह रहा है कि एक थर्ड चार्ज है, इन दोनों के बीच में बिल्कुल मिड में रखा, यानी कि ये दूरी 10 सेंटीमीटर है सर, और ये भी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये चार्ज भी क्या है? क्यू है। क्या है? क्यू है। इस चार्जेस को इन दोनों चार्जेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लेके गए। ये पोजिशन अगर ए है तो ये क्या है? बी है। और ये दूरी क्या है? इस चार्ज से भी सर 20 सेंटीमीटर है, और इस चार्ज से भी क्या है सर? 20 सेंटीमीटर है, ए से लेकर बी तक। अच्छा, वर्क डन कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसको ए से बी तक कौन लेके गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? देखो, मान लो ये दो चार्जेस हैं, किसी भी आर दूरी पर रखे हुए हैं, ये चार्ज क्यू है, इसको यहां पर लेके गए हम। तो देखो, ये पॉजिटिव कैसी फोर्स लगाएगा सर? रिपल्सन। ये पॉजिटिव कैसी फोर्स लगेगी? रिपल्सन। रिजल्टेंट फोर्स किधर है? अपवर्ड है। तो ये चार्ज किधर जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण दूर ही जाएगा। इसी तरह बच्चों ये गया है। क्लियर है? तो हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें सर? वर्क डन कैलकुलेट करना है किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। तो क्या आ जाएगा? देखो, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कहें बच्चों, या वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फील्ड कहें, मतलब कि दोनों कैसे हैं? कंजर्वेटिव फोर्स होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस क्यू इंटू डेल्टा वी। व्हाट इज डेल्टा वी? डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो माइनस क्यू, फाइनल कहां पर गए? बी पर। वी बी माइनस वी इनिशियल वी ए, तो माइनस को अंदर ले जाएंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? क्यू इंटू वी ए माइनस वी बी। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों? Q इंटू वी ए माइनस वी बी। तो क्या लिखेंगे? शाबाश, देखो अच्छा लगेगा तुम्हें। देखो, Q चार्ज कितना है? 2 × 10⁻⁷। Q को अभी Q ही लिखते हैं। वी ए पोटेंशियल एट A, A पर क्या पोटेंशियल आएगा? ये Q चार्ज भी लगाएगा, ये Q चार्ज भी लगाएगा। पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर। दोनों चार्जेस सेम हैं, दोनों से ए पॉइंट की दूरी 10 सेंटीमीटर है, सेम है। तो क्यू और आर फिक्स है, के बी कॉन्स्टेंट। तो इसके कारण के क्यू बाई आर प्लस इसके कारण के क्यू बाई आर क्या बन जाएगा बच्चों? 2 के क्यू बाई आर। अच्छा, ये दूरी क्या है यार? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? 10⁻⁹। तो ये मैंने मीटर में ही बना के लिखा, ठीक है? माइनस, तो ये माइनस लिखा। पोटेंशियल एट बी, बी पर पोटेंशियल क्या होगा? दोनों सेम चार्ज हैं, दूरी भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है ना। तो क्या आ जाएगा अपने पास? वही 2 के क्यू बाई आर। तो क्या लिखूंगा मैं? 2 के क्यू बाई आर। आर कितनी दूरी है? 20 सेंटीमीटर है। अब तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में बनाएंगे तो क्या होगा? 2 × 10⁻⁹ माइनस वन आ जाएगा भाई। शाबाश, देखो। तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों? क्यू। ये कौन सा चार्ज है क्यू? ये थर्ड चार्ज है क्यू, वो भी क्या है? 2 × 10⁻⁷। तो क्यू की वैल्यू लिखो, देखो 2 × 10⁻⁷, इसको हटा देते हैं। देखो 2 के क्यू कॉमन ले आओ तो क्या आ जाएगा? 2 के की वैल्यू क्या होती है? 9 × 10⁻⁹। सोली करते हैं देखो सारे को, इंटू क्यू। क्यू क्या है? 2 × 10⁻⁷। अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1/10⁻¹। ऊपर जाएगा तो +1, तो 10 आ जाएगा -1/2, 10⁻¹। ऊपर जाएगा पलटी मार के +1। क्लियर है? देखो, तो वर्क डन क्या आ जाएगा बच्चों? 2 को 2 क्या बनेगा? 8 × 9 = 72 इंटू 10⁻⁷, 10⁻⁷ -14 +9 क्या बनेगा? -5, है ना? देख लेना उसको, आसान सी कैलकुलेशन है। 2 से ही आ जाएगा 5, 10 माइनस 5 5, 5 को मल्टीप्लाई करो बच्चों, वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आएगा? 360 × 10⁻⁵। 2 डिक्रीज कर दो, क्यों बन जाएगा 3.6, 2 इंक्रीज हो जाएगा 10⁻³, और वर्क डन है तो प्यारे बच्चों यूनिट होगी जूल। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया सर? 3.6 × 10⁻³ जूल। तो फॉर्मूले का अच्छे यूज का आसान सा ये सवाल था, शाबाश, नोट करो, थैंक यू।